वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली रियलमी एक्स थ्री के लिए रियलमी यू आई 3.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अगर आप भी रियलमी एक्स थ्री के यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किन यूज़र्स को ये अपडेट मिलेगा, क्या इसका वर्जन होगा, क्या इसका साइज़ होगा, कब तक सभी यूज़र्स को ये अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो रियलमी कम्युनिटी है उसके ऊपर ऑफिशियली जो इसका पोस्ट है वो यहाँ पर लाइव हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रियलमी वाई 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 रोलिंग आउट फॉर रियलमी एक्स थ्री। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। और अगर अब हम बात करें कि किन यूज़र्स को ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस जिन भी यूज़र्स की जो डिवाइस है वो C.13, C.14 या फिर C.15 पर अपडेटेड है, उन सभी यूज़र्स को ये जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये जो अपडेट है वो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए होगा, एंड्रॉयड 11 के यूज़र्स के लिए। जो लोग ऑलरेडी बीटा पर थे सबसे पहले ये जो अपडेट है उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो ये अपडेट है वो एंड्रॉयड 11 के यूज़र्स को दिया जाएगा। तो एंड्रॉयड 11 के जो यूज़र्स हैं उनके लिए जो ये वर्जन है C.13, 14 और 15 ये उनके डिवाइस में अपडेट होना ज़रूरी है। तो अगर आपका डिवाइस इन वर्जन्स पर अपडेट नहीं है तो पहले आप उसको इन वर्जन्स पर अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ पर इसके अपडेट के नए वर्जन और उसके साइज़ की, तो जो इसका यहाँ पर नया वर्जन होने वाला है वो होने वाला है RMX 20811F.05, और इसका जो साइज़ होगा वो 1.23 GB का होगा। ऑफिशियल वर्जन आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, तो ये एक स्टेबल अपडेट है। अब अगर बात करें कि जो साइज़ है वो किन के लिए होगा, तो यहां पर जो भी बीटा यूज़र्स थे जो कि पहले से F.04 पर थे उनको जो इसका साइज़ है 1.23 GB देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पर जो एंड्रॉयड 11 के यूज़र हैं उनको जो इसका अपडेट है वो काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलेगा, 4 से लेकर लगभग 4.5 GB के आसपास का जो उनको अपडेट है वो देखने के लिए मिल पाएगा। तो गाइस अब अगर बात करें यहाँ पर इसके चेंज लॉग की, तो यहाँ पर जो इसमें चेंज लॉग आपको रियलमी वाई 3.0 का कंप्लीट चेंज लॉग होता है वही देखने के लिए मिलेगा, जिसमें न्यू डिज़ाइन, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, परफॉर्मेंस, गेम्स, इन सब से जुड़े जो नए फीचर्स हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस अगर आप इन फीचर्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करें कि आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, तो जो इसके कॉमन इशूज़ हैं इस अपडेट के बाद, उसमें सबसे पहला ये है कि अपडेट करने के बाद हो सकता है जो आपका फ़ोन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले बूट होने में, क्योंकि यहाँ पर जो नया सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज़ होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, जिससे कि बूट होने में इसमें फर्स्ट बूट में ज़्यादा समय लग सकता है। इसके बाद जो सेकंड इसमें आपको कॉमन इशू देखने के लिए मिल सकता है वो ये हो सकता है कि अपडेट करने के बाद आपका फ़ोन जो है थोड़ा सा स्लो चले, हैंग हो, लैग हो, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज़ होता है इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए यहाँ पर ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप इस नए अपडेट को करें तो उसके बाद आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज करके 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए, ताकि जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर है वो स्टेबलाइज हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए और आपको इसमें कम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। लेकिन अगर आप इसको फिर भी यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि ये फिर 4-5 दिन जो है अपना नॉर्मल परफॉर्म करने में ले, इसलिए आपको लगभग उतना तो वेट करना ही चाहिए फ़ोन को ऑप्टिमाइज होने के लिए। तो गाइज अब अगर बात करें कि कब तक सभी यूज़र्स को ये अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, तो गाइज यहाँ पर ये जो अपडेट होता है ये एक फेज्ड रोल आउट होता है, तो स्टार्टिंग में ये जो अपडेट है कुछ यूज़र्स को दिया जाता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके सारे यूज़र्स के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया जाता है। तो आपको आपके डिवाइस में ये अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।